कोई फायदा नहीं है। अम्मी ने बाहर से खिड़की बंद करके रखा है। अगर तू खिड़की से बाहर भी चली गई ना तो भी तुझे कंपाउंड मिलेगा, और कंपाउंड के बाद सीधा मेन गेट है जो कि अम्मी ने बंद करके रखा है। मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे भी यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं और मेरा छोटा भाई रवि, हम लोग जैसे तैसे ज़िंदगी काट रहे थे कि भाई की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर से बात की, उसने बोला कि कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे बॉयफ्रेंड संजू ने मुझे एक आइडिया दिया। सुन, एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया मैंने, ऐसे फटफट 5 लाख तेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो तू टेंशन लेना छोड़ और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। करेगी ना? क्या बात है संजू, लोग तो तस्वीरों में खूबसूरत होते हैं, ये तो रियल में बहुत खूबसूरत है। क्या कर रहा है ये? सामने देख और हिम्मत नहीं तो इधर ही खाली कर दूंगा, और जो जो है ना जल्दी जल्दी निकाल चल। हमने उसके कहने और पैसे लूटे और एक गाड़ी चोरी करके उसमें भाग गए। फिर संजू ने मुझे भेज दिया, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। सब मेरी इज्जत है दीदी, मुझे मुझे वो बचाने दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सुन, यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं बचती है, यहाँ पे एक बार जो लड़की आ गई ना तो वापस नहीं जा पाती है। नहीं, मुझे जाना है, प्लीज दीदी, प्लीज। काकी, अरे गौरी रह गए। काकी, संजू, गौरी मिली क्या? नहीं काकी, गौरी कहीं नहीं मिल रही है। उसके दोस्तों को भी पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता। कुटे गरीब आजी मुलगी, अरे भगवान कहाँ चली गई? आई, आई, गौरी मिल जाएगी आई। सर, सर वो यतीन तो कोमा में चला गया। सर मैंने जेन गार्डन से लेके हमारे पुलिस स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, यतीन की कार सिर्फ एक ही कैमरे में नजर आई है, और वो भी हमारे पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूर। ये देखिए सर, किसी भी कैमरे पे शूट आउट का कोई भी निशान नहीं है। हमारी टीम ने 3 किलोमीटर के रेडियस को चेक कर लिया है। आखिर ये हादसा हुआ कहाँ? सर, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है सर, ये मेरी पत्नी आरती अग्रवाल है सर, हमारी बेटी गायब है सर। बेटी? बोलो। सर, हमारी बेटी मानसी कल शाम से घर नहीं आई, वो रोज की तरह काम पर गई थी। उसकी ऑफिस में लोगों ने कहा कि वो 4 बजे निकल गई थी जैसे हमेशा निकलती है, पर अब तक घर नहीं लौटी। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। आपकी बेटी कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ झगड़ा, कोई उसको तकलीफ देता था? ये 7 लड़की अपने घर से कैश और गहने लेकर गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है। सर, हो सकता है विधि भी इस अकाउंट के चंगुल में फंस गई। लेकिन यहाँ तो विधि के साथ साथ उसका भाई विशेष, उसकी कजन परी, उसकी मौसी रीमा, सब गए। राइट सर, ये सब कुछ इस क्रिमिनल के एमओ से अलग तो लग रहा है, लेकिन सर विधि भी इस अकाउंट के टच में थी। क्रिमिनल कौन है? साइबर सेल वालों का क्या कहना है? ये कौन है, इसका असली नाम क्या है, ये दिखता कैसा है? साइबर सेल को अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। बाय ध्रुव। कृतिका प्लीज जल्दी से हाँ कर दो, तुम्हारी खिचड़ी यहाँ नहीं पकेगी। अच्छा, पकेगी, और अगर नहीं पकी ना तो यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। चलो बाय। बाय सर, कुछ दिन पहले डोमेन हिल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। खुदाई के दौरान वहां से 2 स्केलेटन मिले थे, उन पे भी उसी केमिकल के ट्रेसेस मिले
जो पहले कंकाल पे मिले थे सर, लाश को जल्दी गलाने वाले। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो स्केलेटन हमारे केस से कनेक्टेड हो सकते हैं? जी हाँ सर, क्योंकि फॉरेंसिक का कहना है कि उनमें से एक कंकाल 21 से 25 साल की उम्र की लड़की का था और दूसरा 41 से 45 साल की औरत का। परी की उम्र 25 साल थी सर और रीमा की 45 साल। हालांकि फॉरेंसिक उन दोनों कंकालों की डीएनए प्रोफाइलिंग कर रही है, पर हो सकता है सर वो दोनों कंकाल रीमा और परी के हों। अभी तक उस स्केलेटन की भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है जिसको हम विशेष का समझ रहे हैं। हो सकता है सर चौथा कंकाल वहीं कहीं हो, हालांकि उस एरिया में मैंने और छानबीन के ऑर्डर दे दिए हैं। सर कमें सर, परी के लॉकर से नए इन्वेस्टर का तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लेकिन सर ये एमओयू मिला है और इस एमओयू के मुताबिक 3 महीने पहले परी ने एक 50 लाख रुपए की जमीन खरीदने के लिए 10 लाख का एडवांस दिया था। किसके नाम पर थी ये जमीन? सर ये प्रथम सिन्हा नाम का प्रॉपर्टी डीलर है सर, मैंने इसके बारे में पता किया। इसने अब वो जमीन 60 लाख रुपए में किसी और को बेच दी है। मतलब परी इसी प्रथम सिन्हा की धोखाधड़ी का शिकार हुई होगी? नहीं सर, हमने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया और हम क्यों धोखा देंगे बोले। हमने तो 3 महीने पहले ही वो जमीन उन्हें 50 लाख रुपए में बेच दी थी और एमओयू के हिसाब से तो 15 दिन बाद में उस जमीन की रजिस्ट्री भी थी सर, लेकिन फिर वो अचानक कहने लगी कि देखिए हमारे इन्वेस्टर ने हमें पैसे देने से अचानक से मना कर दिया है, अब 15 दिन में हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा मोहलत चाहिए। फिर सर उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और हमने दिया भी सर, लेकिन वो वापस ही नहीं आई और हमने उन्हें फ़ोन भी किया पर उनका फ़ोन तो बंद आने लगा। फिर सर मैंने वो ज़मीन किसी थर्ड पार्टी को बेच दी। 10 लाख के फायदे के लिए धोखा दिया उन लोगों को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पहले तो ये बता कि परी जिस इन्वेस्टर की बात कर रही थी वो कौन है? सर वो अक्सर किसी इन्वेस्टर के बारे में बात तो किया करती थी पर मैंने उसे कभी देखा नहीं सर, मैं नहीं जानता वो कौन है सर। देख मुकुल, हम दोनों एक ही गंगा में नहाए हैं, लेकिन अब गंगा मैली नहीं पवित्र हो रही है, जो हमारे धंधे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं। एक काम करते हैं, तेरे भाई का पूरा धंधा पायल से छीनकर तुझे दे देते हैं। और पायल का क्या करोगे? पायल का क्या करना है, जैसे उसके बेटा बेटी गायब हुए हैं वैसे ही पायल भी गायब हो जाएगी कानपुर से। सर शायद पायल परी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो, या इन्वेस्टर इनकी जान पहचान का हो। आई मीन पायल महिला समाज की अध्यक्षा है, एमपी के कई पॉलिटिशियन कई पुलिस ऑफिसर्स इनके कॉन्टेक्ट में। अगर पायल परी के इन्वेस्टर के बारे में जानती है तो हमसे छिपाएगी क्यों? पता नहीं सर, लेकिन पायल के बारे में एक बहुत अजीब बात पता चली है। ये 2 महीने पहले तक सुहागन थी, फिर अचानक से पायल ने अपने निबर से बोला कि इनके पति बिजनेस टूर पे पंजाब गए थे और वहीं एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। यस सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।